बहुत समय पहले की बात है, ढोलकपुर नामक गांव में दो बहनें चांदनी और काजल अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। चांदनी बहुत ज्यादा सुंदर थी, उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन काजल की तरह काली और उसके चेहरे पर थोड़े थोड़े निशान भी थे। लेकिन काजल भले ही काली थी, चांदनी की तरह सुंदर नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत सुंदर था और चांदनी जितनी ज्यादा सुंदर उसका दिल उतना ही काला था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह बेचारी काजल को हमेशा उसके काले रंग की वजह से खरी खोटी सुनाती रहती, उसे कभी अपने साथ बाहर घूमने नहीं लेकर जाती और बाहर की लड़कियां भी काजल बेचारी को भाव नहीं देती, उसका हमेशा मजाक उड़ाती थी। बेचारी काजल अकेली ही रहती थी। एक दिन चांदनी तैयार होकर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही थी कि तभी वहाँ काजल और चांदनी की माँ आती हैं और वह चांदनी से कहती हैं, सुनो चांदनी बेटा, आज तुम अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रही हो, काजल का कोई दोस्त नहीं है, बेचारी घर में रहती है, उसे तुम साथ ले जाओ, उसे अच्छा लगेगा। मम्मी, इस काली कलूटी को तो अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा क्या, मेरे दोस्तों में मेरी कितनी इंसल्ट होगी, सबको पता चल जाएगा कि ये काली कलूटी मेरी बहन है, इसलिए प्लीज मैं इसे अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मैं कहां परियों की तरह सुंदर और ये कहां कोयले की निकली काली कलूटी बदसूरत, मैं इसे अपने साथ कहीं नहीं लेकर जा रही। चांदनी, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा तुम काजल को अपने साथ लेकर जाओगी। अगर तुम इसे अपने साथ नहीं लेकर गई तो समझ लेना आज से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। अपनी माँ की यह धमकी सुनकर चांदनी काजल को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। काजल भी खुशी खुशी अपनी बहन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ समय बाद दोनों बहनें पार्टी में पहुंच जाती हैं। चांदनी और काजल को एक साथ देखकर चांदनी की दोस्त बहुत हंसती हैं और हैरान होकर चांदनी को देखने लगती हैं और हंसते हुए से कहती हैं, अरे यार चांदनी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही इस काली कलूटी के साथ घूमते हुए? वैसे यार ये कौन है, इतनी काली कलूटी बस सूरत जो तुम्हारे साथ मेरे बर्थडे पार्टी में आई है? वैसे दोस्तों मानना पड़ेगा, कहते हैं रात और दिन कभी एक साथ नहीं रहते, लेकिन चांदनी और इस काली कलूटी को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे रात और दिन एक साथ रह सकते हैं। अरे अरे यार, तुम मेरी मम्मी के स्वभाव को नहीं जानती, यह हमारी मेट की बेटी है, काली और बदसूरत, इसका कोई दोस्त नहीं है। मम्मी ने कहा कि तुम अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रही हो तो बेचारी को भी ले जाओ, इसका भी मन बहल जाएगा, बस इसलिए अपने साथ लेकर आ गई। अगर तुम्हें इससे यहाँ पर देखकर बुरा लग रहा है तो मैं इसे बाहर भी छोड़कर आ सकती हूँ। हाँ हाँ यार, प्लीज चांदनी, मेरी इतनी सुंदर पार्टी पर इस काली कलूटी की वजह से ग्रहण लगे, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस काली कलूटी बस सूरत को देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि हमारी पार्टी में कोई काला साया है, इसलिए चांदनी इसे बाहर छोड़कर आ जा, हमारे आगे का केक बचेगा तो इसे खाने के लिए दे देंगे, क्यों दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ ना? चांदनी और उसके दोस्तों की यह सारी बातें सुनकर काजल को बहुत दुख होता है और वह रोती रहती है कि किस तरह उसकी बहन उसे अपने घर की नौकरानी बता रही है। चांदनी काजल को बाहर ले जाती है और उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, काली कलूटी देखा, तेरी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हो रही थी, सोच अगर इन्हें ये पता चल जाता कि काली कलूटी बस सूरत तो मेरी बहन है तो मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट होती। वो तो समय रहते मैंने तुझे अपनी नौकरानी बता दिया, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने, यहाँ बैठी रहना, तुझे केक मिल जाएगा जिसके खाने के लिए तू तड़प रही थी। काली कलूटी। चांदनी, अगर मैं काली हूँ तो इसमें तुम्हारी कहाँ इंसल्ट हो रही है, लोग तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे काला कह रहे हैं, मुझे बदसूरत कह रहे हैं, अगर बुरा लग रहा है तो मुझे लग रहा है, अगर किसी का दिल दुख रहा है तो वह मेरा दुख रहा है, तुम्हारा नहीं। वैसे चांदनी, मुझे इतना दुख कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है, क्योंकि तुमने अपनी ही बहन को अपने घर की नौकरानी बताया, मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा कहकर काजल रोते हुए सड़क के किनारे बैठ जाती है और बहुत रोती है और चांदनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी। कुछ समय बाद चांदनी एंजॉय कर आ जाती है और दोनों बहनें घर जा रही थी, तभी रास्ते में चांदनी और काजल को एक जख्मी बिल्ली नजर आती है जिसके ऊपर मक्खियां भिनक रही थी। तभी चांदनी कहती है, अरे छी छी, यहाँ पर कितनी बदबू आ रही है, इस बिल्ली को इस तरह से यहाँ पर क्यों छोड़ रखा है, इसके ऊपर मक्खियाँ भी भिनक रही हैं, मुझे तो सांस भी नहीं ली जा रही। सुन काली कलूटी, मैं इस रास्ते से घर नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे रास्ते से घर जा रही हूँ। चांदनी,
तुम इस बिल्ली से इस तरह घिन क्यों कर रही हो? जख्मी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, ना कि इसे छोड़कर हमें घर जाना चाहिए। यह जानवर बोल नहीं सकती, किसी की मदद नहीं मांग सकती, इसका क्या मतलब हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए? देख काजल की बच्ची, मुझे कोई शौक वोक नहीं है ऐसे जख्मी जानवरों की मदद करने का जिसके अंदर से बदबू आ रही है। मेरे सुंदर हाथ गंदे हो जाएंगे, तू ही अपने काले हाथों से इसकी मदद कर, मैं तो जा रही हूँ दूसरे रास्ते से घर। हाँ, ऐसा कहकर चांदनी काजल को अकेला छोड़कर घर आ जाती है और काजल उस जख्मी बिल्ली को अपने हाथ में उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाती है और वह उसका इलाज कराती है। तभी डॉक्टर कहती हैं, देखो इसका इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ रहा है, मैंने इंजेक्शन तो लगा दिया है, समय समय पर दवाई भी देनी होगी और बहुत ख्याल रखना होगा, तब जाकर यह बिल्ली ठीक हो पाएगी। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसका कितना ख्याल रख पाती हो। डॉक्टर की बात सुनकर काजल उस बिल्ली को अपने साथ घर लेकर आ जाती है, उसका बहुत ख्याल रखती है, उसे समय समय पर दवाई देती है, खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना देती है, जिस वजह से जल्द वह ठीक हो जाए और कुछ ही दिनों में वह बिल्ली बिल्कुल ठीक हो जाती है और काजल उसका नाम स्वीटी रखती है। अब दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन चांदनी और काजल की माँ अपनी दोनों बेटियों से कहती हैं, काजल और चांदनी, तुम्हारे पिताजी बता रहे थे कि हमें तैयार होकर पार्टी में जाना है। तुम्हारे पिता के दोस्त का बेटा लंदन से पढ़कर आ रहा है, उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी इसलिए ही दी है कि वह उस पार्टी में एक अच्छी सी लड़की देखकर अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं। ठीक है, तुम दोनों तैयार रहना। मम्मी, हम दोनों को वहाँ जाने की क्या जरूरत है, वहाँ तो सिर्फ मुझे ही जाना चाहिए, मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरी सुंदरता के तो पता नहीं कितने दीवाने हैं। किशोरदास अंकल का बेटा भी मुझे देखते ही फ्लर्ट हो जाएगा और देखना उससे शादी तो मेरी ही होगी। किशोरदास अंकल इस गांव के सबसे धनी इंसान है, देखना उस घर की बहू तो मैं ही बनूंगी। आप इस काली कलूटी को वहाँ ले जाकर क्या हमारी इंसल्ट करवाना चाहती है? कहीं से देखकर उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया तो? नहीं नहीं मम्मी, आपका ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इसे पार्टी में नहीं लेकर जाएंगे, पूरी पार्टी में ग्रहण लगा देगी। चांदनी बेटा, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हें सुंदर बहू चाहिए, उन्होंने कहा समझदार सुशील और अच्छी बहू चाहिए। हो सकता है कि उन्हें हमारी बेटी काजल के गुण पसंद आ जाए, इसलिए मैं तुम दोनों को लेकर जाना चाहती हूँ। नहीं मम्मी, चांदनी सही कह रही है, मैं वहाँ जाकर आप सबकी इंसल्ट नहीं कराना चाहती, कोई भी इतनी काली लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएगा। क्या मम्मी, आप जानती नहीं मुझे तो बहू बनाना दूर की बात है, लोग अपने पास बिठाना भी पसंद नहीं करते, मुझसे दोस्ती करना पसंद नहीं करते, तो फिर कोई मुझे अपने घर की बहू कैसे बना लेगा? आप और चांदनी चले जाइए, मैं स्वीटी के साथ रह लूंगी। वैसे मम्मी, इस काली कलूटी ने असमझदारी की बात की है। ऐसा कहकर चांदनी पार्लर चली जाती है और शाम को अच्छे से तैयार होकर तीनों पार्टी में चले जाते हैं और काजल स्वीटी के साथ अकेले रह जाती है। काजल ने अपनी माँ से ऐसा कह तो दिया था, लेकिन उसे पार्टी में न जाने का बहुत ज्यादा दुख होता है और वह स्वीटी से रोते हुए बात करती है। तुम जानती हो स्वीटी, बचपन से लेकर आज तक मैं अपने काले रंग की वजह से लोगों की तरह तरह की बातें सुनती आ रही हूँ। कोई अमावस की रात कहता है तो कोई काला अंधेरा, कोई कोयले से निकली बदसूरत लड़की, पता नहीं मुझे किस किस नाम से पुकारते हैं। काफी समय से तो मैंने किसी शादी पार्टी में जाना भी बंद कर दिया, ना कहीं जाऊंगी ना ही लोगों की दो बातें सुनूंगी। लोगों की बातें सुन सुन कर मेरा दिल बहुत दुखी होता है, मेरा आत्मविश्वास कम होता है, मेरे जीने का भी दिल नहीं चाहता। तुम्हें पता है स्वीटी, इस दुनिया में काला होना सबसे बड़ा पाप है। अगर तुम सुंदर हो तो लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुमसे अच्छे से बात करते हैं, अगर तुम बदसूरत हो तो तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी देखना पसंद नहीं करते, जैसे हमने इस दुनिया में आकर गलती कर दी हो। ऐसा कहकर काजल बहुत रो रही थी। काजल को इस तरह फूट फूट कर रोता देख स्वीटी को भी रोना आ जाता है और वह जंगल की तरफ भागने लगती है। स्वीटी के पीछे पीछे काजल भी जाती है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन स्वीटी नहीं रुकती और वह उसे एक बहुत सुंदर चमकते हुए जादुई लहंगे के पास लेकर जाती है, जिसे देखकर काजल चौंक जाती है। स्वीटी, तो मुझे कहाँ पर लेकर आई हो? और ये लहंगा तो कितना ज्यादा चमक रहा है और कितना ज्यादा सुंदर है, मगर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? काजल स्वीटी से ऐसा कह ही रही थी कि तभी उस चमकते हुए जादुई लहंगे से आवाज आती है।
यह चमत्कारी जादुई लहंगा है और यह चमत्कारी जादुई लहंगा बस अच्छे लोगों को ही नजर आता है जिनका दिल शीशे की तरह साफ हो। जरूर तुमने भी अपनी जिंदगी में अच्छे ही कर्म किए होंगे जो तुम्हें यह चमत्कारी जादुई लहंगा नजर आया। अब तुम इस जादुई चमत्कारी लहंगे को पहन लो, उसके बाद तुम इस चमत्कारी जादुई लहंगे का जादू देखना। काजल जैसे ही चमत्कारी जादुई लहंगा पहनती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। बाल काले घने लंबे रंग दूध की तरह सफेद। काजल खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी स्वीटी एक परी के रूप में आ जाती है। बिल्ली को परी के रूप में बदलता हुआ देखकर काजल चौंक जाती है। तभी वह परी काजल से कहती है, काजल तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा से इसी तरह लोगों की मदद करती हूँ। कभी जानवर का रूप ले लेती हूँ, कभी गरीब बन जाती हूँ जो सच्चे दिल से मेरी मदद करता है, और अगर उसे किसी चीज की परेशानी होती है उसके बाद मैं उसकी मदद करती हूँ। मेरा मदद करने का यही तरीका है। और तुमने उस जख्मी बिल्ली की सेवा की, सच में तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अब तुम चमत्कारी जादुई लहंगे को अपने पास रखो और ध्यान रहे कि इस चमत्कारी जादुई लहंगे को कोई भी घमंडी इंसान न छू ले, वरना उसके साथ अनर्थ हो जाएगा। परी की बातें सुनकर काजल खुश हो जाती है और चमत्कारी जादुई लहंगे को अपनी अलमारी में छुपा के रख देती है और अच्छे से तैयार होकर पार्टी में भी चली जाती है। जैसे ही काजल पार्टी में जाती है तो सब उसको देखते ही रह जाते हैं, और किशोर दास के बेटे को भी काजल ही पसंद आती है और वह तुरंत उससे शादी करने के लिए हाँ कर देता है। यह देखकर चांदनी आग बबूला हो जाती है और वह घर आकर काजल से कहती है, काजल की बच्ची तू इतनी जल्दी इतनी सुंदर कैसे हो गई, और तूने तो पार्टी में आने से मना भी कर दिया था, फिर तू वहाँ कैसे चली गई? सुमित जी मुझे ही पसंद करने वाले थे, अगर तू वहाँ पर नहीं आती तो। चांदनी बेटा रहने दो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन कितनी ज्यादा सुंदर हो गई। बेटा यह चमत्कार कैसे हुआ? माँ यह चमत्कार चमत्कारी जादुई लहंगे से हुआ। आपको पता है मैंने स्वीटी की इतनी सेवा की थी ना, इसलिए उसने मुझे चमत्कारी जादुई लहंगा दिया जिसके जादू से मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। अगर इतनी बदसूरत काली कलूटी लड़की चमत्कारी जादुई लहंगे के जादू से इतनी बदसूरत इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है, फिर तो मैं कितनी ज्यादा सुंदर हूँ। मैं तो उसके जादू से और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी, फिर तो सुमित जी मुझे देखकर दंग रह जाएंगे। काजल की बच्ची से सुमित जी की शादी नहीं होगी, सिर्फ मेरी ही होगी। हाँ, ऐसा सोचकर चांदनी रात हो जाने के बाद काजल के रूम में जाती है और चमत्कारी जादुई लहंगे को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है। बहुत मुश्किलों के बाद चांदनी को चमत्कारी जादुई लहंगा मिल जाता है और वह चमत्कारी जादुई लहंगा पहन लेती है। जैसे ही चांदनी जादुई लहंगा पहनती है तो वह बिल्कुल काली, उसके छोटे छोटे बाल, चेहरे पर बहुत ज्यादा निशान, वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। यह देखकर चांदनी बहुत रोती है। चांदनी को खुद की सुंदरता पर जो घमंड था वह सब चकनाचूर हो जाता है। और कुछ दिन बाद काजल की शादी सुमित से हो जाती है और इस तरह काजल चमत्कारी जादुई लहंगे की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है, उदयपुर नामक गांव में दो बहनें सीमा और रीमा अपने माता पिता के साथ रहती थी। दोनों बहनें जुड़वा थी, लेकिन सीमा गंजी थी और रीमा के बहुत सुंदर सुनहरी बाल थे, जिसकी वजह से रीमा हमेशा सीमा को भला बुरा कहती रहती थी। दोनों बहनों का एक ही कॉलेज में एडमिशन हुआ था। तभी रीमा अपनी माँ से कहती है, मम्मी मैं इस गंजी को अपने साथ कॉलेज लेकर नहीं जाऊंगी, मेरे कितने सुंदर सुनहरी बाल हैं और यह गंजी, अगर किसी को पता चलेगा कि ये मेरी बहन है तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी, इसलिए मैं इसे अपने कॉलेज लेकर नहीं जाऊंगी। आप इसका एडमिशन कहीं दूसरे कॉलेज में करा दो। रीमा बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो, ये तुम्हारी बहन है और उसके भी बचपन में तुम्हारे ही जैसे सुंदर सुनहरी बाल थे, एक बीमारी की वजह से बेचारी के सभी बाल चले गए, इसमें इसकी क्या गलती, तुम कभी भी इसे अपने साथ लेकर नहीं जाती, कॉलेज तो तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाना होगा और मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अपनी माँ के कहने पर रीमा सीमा को कॉलेज ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसे पूरे रास्ते सुनाती रहती है, सुन गंजी मम्मी के कहने पर मैं तुझे अपने साथ कॉलेज तो लेकर जा रही हूँ, लेकिन किसी को भी मुझे अपनी बहन मत बताना, मैं नहीं चाहती तेरे गंजे होने की वजह से मेरी इंसल्ट हो। रीमा
तुम हमेशा मुझे क्यों सुनाती रहती हो? मेरे गंजे होने की वजह से सब मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। कम से कम तुम तो मत उड़ाया करो, हम दोनों बहन हैं, वो भी जुड़वा, हमें एक साथ रहना चाहिए, प्यार से बातें करनी चाहिए। तुम हमेशा मुझसे दूर दूर रहती हो। मैं तुझे अपनी बहन नहीं मानती, तू जैसी बहन होने से अच्छा है कि मेरी कोई बहन होती ना। गंजी कहीं की, स्कूल में तेरी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट होती थी, गंजी की बहन, गंजी की बहन, मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता था तेरी वजह से। बात करते करते कॉलेज आ जाता है। सीमा को गंजा देखकर पूरा कॉलेज उस पर बहुत हंसता है। सब लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। तभी कुछ लड़कियां रीमा से कहती हैं, अरे यार रीमा, ये तेरे साथ उजड़ा चमन कौन है? देखो तो बेचारी का एक भी बाल नहीं है। रीमा, ये तुम्हारी बहन तो नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारे बाल तो कितने ज्यादा सुंदर हैं और ये गंजी। हाँ यार, तुमने सही पहचाना, ये मेरी बहन नहीं है, ये तो मेरी दूर की रिश्तेदार है। ये यहाँ पढ़ाई करने आई है और कुछ नहीं। अगर मेरी बहन होती तो मेरी तरह सुंदर होती, उसके भी मेरी तरह सुंदर सुनहरी बाल होते, इसकी तरह गंजी नहीं होती। सुन गंजी लड़की, तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? वैसे भी तेरा पढ़ना लिखना किस काम का? तू किसी के घर में झाड़ू पोंछा ही कर सकती है, या फिर तू इसके अलावा एक काम और भी कर सकती है। अगर तुझे कोई तबला बजाने के काम में ले ले तो कितना अच्छा रहेगा, तेरे चिकने सर पर बहुत अच्छा तबला बजेगा। एक बार मैं तबला बजा कर देखूं। ऐसा कहकर दो लड़कियां सीमा के सर पर मारना शुरू कर देती हैं और रीमा चुपचाप अपनी बहन को इस तरह से बेइज्जत होता हुआ देखती रहती है। वह कुछ भी नहीं कहती। घर आते समय सीमा रोते हुए रीमा से कहती है, रीमा सुबह तुम कह रही थी ना, लेकिन अब मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम जैसी बहन से अच्छा होता कि मेरी कोई बहन होती ना। कोई भी अपनी बहन को इतना बेइज्जत नहीं कराता जितना तुमने मुझे कराया है। सब मेरा कितना मजाक उड़ा रहे थे, मेरे गंजे सर पर कितना मार रहे थे, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। अगर मैं सबको रोकती तो उन्हें पता नहीं चल जाता कि तुम मेरी बहन हो। शुक्र करो कि उन्होंने तुम्हारी कम इंसल्ट की है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना रिश्तेदार बताया था, वरना तुम्हें पता नहीं वो तुम्हारी कितनी ज्यादा इंसल्ट करते। ऐसा कहकर दोनों बहन अपने घर आ जाती हैं। घर आने के बाद सीमा अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, अब बस बहुत हुआ, मेरे गंजे होने की वजह से मेरी बहुत इंसल्ट हो गई, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और सहन कर पाऊँ। माँ कोई मेरे सर पर तबला बजाना चाहता है, कोई मुझे ताने देता है कि मेरी कभी शादी नहीं होगी। वो तो मुझे भी पता है मेरे गंजे होने की वजह से मेरी कहीं शादी नहीं होगी, लेकिन सबको मुझे रोज रोज ये एहसास दिलाने की क्या जरूरत है? सीमा तूने बिल्कुल सही सोचा, अब तो कॉलेज नहीं जाएगी तो मुझे भी ये डर नहीं रहेगा कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि तू मेरी बहन है। हाँ अब मैं घर से बाहर कहीं नहीं जाऊंगी, घर में ही रहूंगी, ना कोई मुझे देखेगा और ना ही कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, इस तरह से तो तुम्हारा आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो, उनका काम है कहने का, बस तुम हिम्मत मत हारो, तुम्हें जो करना है तुम करती रहो। और वैसे भी तुमने कोई पाप नहीं किया, अगर तुम्हारे बाल नहीं है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, जिसे जो कहना है वो कहता रहे, लेकिन मेरी बेटी घर में नहीं बैठेगी, वो पढ़ाई करेगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। अपनी माँ की बातें सुनकर सीमा को बहुत हिम्मत मिलती है। अब सीमा को चाहे रीमा कुछ कहे या कोई और लड़कियाँ, अब सीमा को किसी की भी बातों का बुरा नहीं लगता था। बस सीमा मन लगाकर पढ़ाई करती थी और एक दिन इसी मेहनत और लगन से सीमा कॉलेज में टॉप करती है। सीमा का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब सीमा और रीमा की शादी की उम्र हो गई। दोनों बहनों को लड़के वाले देखने आए, रीमा को तो पसंद करके चले गए, लेकिन सीमा गंजी थी इसलिए हर कोई उसे रिजेक्ट कर चला जाता था। कुछ दिन बाद रीमा अपनी माँ से कहती है, मम्मी आप इस गंजी की वजह से मेरी शादी की उम्र क्यों निकाले रही हैं? सब तो मुझे पसंद करके जा रहे हैं ना, तो फिर आप मेरी शादी कर दो, इसकी तो शादी कहीं नहीं होगी, तो इसका मतलब कि आप मेरी शादी नहीं करेंगी? बेटा हम सोच रहे थे हम तुम दोनों की शादी एक साथ ही कर दें तो अच्छा रहेगा, मगर अब तो ऐसा लगता है तुम्हारी शादी भी कर देनी चाहिए, हम बाद में कोई अच्छा सा लड़का देखकर सीमा की शादी कर देंगे।
माँ बाप की यह लाचारी देखकर सीमा को बहुत दुख होता है कि उसकी वजह से उसके माता पिता को कितना दुख हो रहा है। कुछ दिन बाद रीमा की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है। बेचारी सीमा की शादी नहीं होती। दोबारा से सीमा का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगा था। एक दिन सीमा अपने माता पिता को बहुत उदास देखती है कि उसकी वजह से उसके माता पिता कितने परेशान हैं। तभी सीमा सोचती है, मेरी कहीं शादी तो होगी नहीं और माँ पिताजी इस तरह से मेरे लिए परेशान होते रहेंगे। उन्हें रिश्तेदार आस पड़ोस वाले इसी तरह के ताने देते रहेंगे कि तुम्हारी बेटी की कभी शादी नहीं होगी। इससे अच्छा है कि मैं कहीं दूर चली जाऊँ। ना मैं घर में रहूँगी, ना मेरी वजह से माँ पिताजी को कोई दुख होगा। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा सोचकर सीमा अपने घर से कहीं दूर जाने के लिए निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक गाय मिलती है और वह बहुत बोल रही थी। तभी सीमा को लगता है कि वह भूखी है। सीमा उसके लिए घास लेकर आती है और उसे पेट भरकर घास खिलाती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ दिखाई देता है। वह पेड़ बहुत ज्यादा सूख रहा था, जैसे बहुत समय से उसे पानी ना दिया गया हो। तभी सीमा उसके लिए पानी लेकर आती है और उस पेड़ को पानी देती है। कुछ दूर चलने के बाद सीमा को एक बूढ़ी औरत नीचे गिरी हुई नजर आती है। सीमा भागकर उसके पास जाती है और उस बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा जी, क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? हाँ बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मैं चल सकूं। चलते चलते अचानक गिर गई और अब उसे उठा नहीं जा रहा। क्या तुम मुझे अपना सहारा देकर मेरी कुटिया तक पहुँचा दोगी? हाँ हाँ अम्मा जी, बताइए आपकी कुटिया कहाँ है, मैं आपको आपकी कुटिया तक पहुँचा दूंगी। ऐसा कहकर सीमा उस बूढ़ी औरत को अपना सहारा देती है और जहाँ वह बूढ़ी औरत उससे जाने के लिए कहती है, उसे वहाँ तक ले जाती है। सीमा वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ एक झरने से बहुत सारे हेयरबैंड गिर रहे थे। तभी सीमा उस बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा जी, यहाँ तो कोई भी कुटिया नजर नहीं आ रही, बल्कि यहाँ तो एक नदी और झरने से हेयरबैंड गिर रहे हैं। आप मुझे किस जगह पर लेकर आई हो? तभी वह बूढ़ी औरत एक परी के रूप में बदल जाती है और वह परी सीमा से कहती है, सीमा, मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी हो, इसलिए मैंने पहले तुम्हारे सामने गाय को लेकर आई। तुमने उसे घास खिलाई, उसके बाद तुम्हें एक सूखा हुआ पेड़ मिला, तुमने उसे पानी पिलाया, फिर तुम्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई, तुमने उसकी भी मदद की। तुम कितनी अच्छी हो, जानवर हो या इंसान, तुम सबकी मदद करती हो, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें जादुई हेयरबैंड के झरने के पास लेकर आई हूँ। तुम्हारे बाल ना होने की वजह से तुम दुखी हो ना, और इसी वजह से तुम अपने घर से कहीं दूर जा रही थी। अब मैं तुम्हें इस जादुई हेयरबैंड के झरने से एक जादुई हेयरबैंड देती हूँ, इसकी वजह से तुम्हारे बाल बहुत सुंदर आ जाएंगे। क्या सच में परी, जादुई हेयरबैंड से मेरे बाल बहुत सुंदर आ जाएंगे? परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारी वजह से मेरे बाल आ जाएंगे और मेरे माता पिता को मुझे लेकर जो दुख है वो खत्म हो जाएगा। सीमा, इस जादुई हेयरबैंड से तुम्हारे बाल आ तो जाएंगे, मगर तुम्हारा जादुई हेयरबैंड अगर किसी ने भी लगाया तो तुम दोबारा से गंजी हो जाओगी, इस बात का ध्यान रखना। परी सीमा को जादुई हेयरबैंड के झड़ने से जादुई हेयरबैंड दे देती है, जिसे लगाते ही सीमा के बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर आ जाते हैं। सीमा पहले ही बहुत ज्यादा सुंदर थी, बाल ना होने की वजह से वह कम सुंदर लगती थी, लेकिन जैसे ही उसके बाल आते हैं सीमा बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। खुद को इतना सुंदर देखकर सीमा बहुत खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपने घर आ जाती है। सीमा घर आकर अपने माता पिता को जादुई हेयरबैंड के झड़ने के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सीमा के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। सब खुश हो ही रहे थे तभी अपने ससुराल से रीमा अपना सामान लेकर आ जाती है। रीमा के सर पर बहुत कम बाल होते हैं। तभी रोते हुए रीमा अपने माता पिता से कहती है, मम्मी, जब तक मेरे बाल सुंदर थे तब तक तो सुमित जी ने कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे मेरे बाल कम होते गए उनका मेरे प्रति बर्ताव बिल्कुल बदल गया। अब तो उन्होंने ये कह दिया कि मैं अपने मायके से कभी वापस ना आऊं और वह दूसरी शादी करना चाहते हैं। मम्मी, मैंने हर तरह का शैम्पू और तेल लगा कर देख लिया, लेकिन मेरे बाल झड़ने कम नहीं हो रहे। रीमा,
ऐसे नहीं रोते। सुमित जीजू दूसरी शादी नहीं करेंगे। तुम्हारे बाल पहले की तरह ही सुंदर हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास जादुई हेयर बैंड है। इसे लगाते ही तुम्हारे बाल पहले की तरह हो जाएंगे, मगर मैं पहले की तरह गंजी हो जाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बहन का बसा बसाया घर नहीं टूटना चाहिए। सीमा, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तेरे गंजे होने की वजह से तुझे कितना भला बुरा कहा, और आज मेरा घर न टूटे इसलिए तो दोबारा से गंजे होने तक के लिए तैयार है। मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दे। सीमा रीमा को गले लगा लेती है। तभी वहाँ पर परी आ जाती है, जिसने सीमा को जादुई हेयरबैंड के झरने से जादुई हेयरबैंड दिया था। तभी वह परी कहती है, सीमा सच में तुम बहुत अच्छी हो, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो, इसलिए ये जादुई हेयरबैंड तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी भी बहन के बाल सुंदर कर देगा, और तुम दोनों बहन हमेशा इसी तरह प्यार से रहना। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली जाती है और रीमा उस जादुई हेयरबैंड को लगा लेती है। जादुई हेयरबैंड लगाते ही उसके बाल पहले की तरह हो जाते हैं। अब पूरा परिवार बहुत खुशी खुशी रहता है।